वहीं नैनीताल आर्यभट्ट प्रेक्षण संस्थान समेत भारत में से एक वैज्ञानिक का दल इन दिनों बेल्जियम गया है, जहां वो विश्व भर के साथ अन्य देशों के साथ मिलकर अनंत तक फैले अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्यों पर अध्ययन करेंगे। नैनीताल से बेल्जियम गए वैज्ञानिक संतोष ने बताया कि इस कार्यशाला में भारत और बेल्जियम की दूरबीन द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही तारों का जन्म और मृत्यु, आकाश गंगाओं का विस्तार, तारों की आंतरिक संरचना के अलावा पृथ्वी के समान ग्रहों की खोज समेत अंतरिक्षी अनुत्तरीय प्रश्नों का भी गहन विचार किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं पर नजर रखी जा सके और उनका गहनता से अध्ययन किया जा सके। देखिए, बेल्जियम अभी बेसिकली अभी तक जो नैनीताल से 3.6 मीटर टेलीस्कोप और भारत के और भी जो प्रेक्षण सुविधाएं हैं उनसे लिए गए हाल ही में प्रेक्षणों पर चर्चा की जाएगी और उनके परिणामों के बारे में गहन विचार विमर्श किया जाए, जिससे कि भविष्य के बारे में जो परियोजनाएं बनेंगी या उनके उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो बनेंगे उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ेगा।